4:27 में तो भाई अभी राइड शार्ट हो रही है, मैं जा रहा हूँ अनीस को ले। एक चैलेंज है कि भाई 260 किलोमीटर या 265 किलोमीटर स्ट्रेट मैं लगाऊं। भाई साहब ठंड तो खतरनाक थी भाई। रायनी माता मंदिर और वहाँ पे फर्स्ट विजिट करेंगे। वहाँ पे ये उत्तराखंड ही है भाई। हाँ वहां से यूं आ रहे हैं जिगजैग करते हुए। अबे खतरनाक ही चढ़ाई है भाई, ये तो उत्तराखंड में भी नहीं थी ऐसी। बिल्कुल सीधा रोड बना दिया ऊपर की ओर। पानी ठंडा था कि आप इस चिता में से आग को लेके जितनी दूर तक आप जा सकोगे, भाग सकोगे, उतनी दूर तक पानी बहता रहेगा। हेलो एवरीवन, तो भाई राइड की शुरुआत होती है अभी सुबह 4:27 में। तो भाई अभी राइड स्टार्ट हो रही है, मैं जा रहा हूँ अनीस को लेने के लिए बदरपुर साइड, और उसको लेने के बाद भाई निकलेंगे अपन। भाई हो रही है गंदी वाली ठंड बहुत ही ज़्यादा, मैं फुल को पहन के आया हूँ फिर भी मेरे को लग रहा है। अभी ग्लव्स भी है मेरे पास, वो भी डाल लूँगा मैं। जो लोकेशन मेरा यहाँ से 265 किलोमीटर है, इसलिए जल्दी निकले हम। मुझे अपने मतलब वाइजर्स ना चेंज करवाने हैं, वो मेरे हैं डे वाले जो सन वाले होते हैं, तो इसमें रात में मुझे खोल के चलाना होता है, तो वो एक दिक्कत है। तो भाई आ चुका हूँ बदरपुर, अभी देखते हैं अनीस कहाँ है। तो भाई अनीस भाई आ चुके हैं, और भाई किशन हो मस्त ना। चलो फिर बैठो, निकलते हैं, इसमें डालो। पर तूने बताया नहीं भाई, तूने बोला घर आ जा, मैं भाई बदरपुर पहुंच चुका हूँ, बिल्डिंग के नीचे हॉर्न मार रहा हूँ, मुझे सुन लिया होगा, अब आएगा अब आएगा। मुझे सको भाई कहीं नोएडा ना हो, मैं तो कॉल लगा, फिर पहले कॉल में तो को पूछा नहीं मैंने, इसलिए नहीं पूछा। अभी सुन सुन मेरे को बैग दे, बट आगे ठंड लग रही है, मैं आगे रख लूँगा। नहीं ठीक है फिर भी मुझे नहीं 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 अबे हवा लग रही है मेरे को, कोई नहीं, अब तुम पीछे बैठो आराम से, अभी 2 घंटे। तो भाई अभी निकल चुके हैं अपन भानगढ़ फोर्ट। तो भाई अभी हम हाईवे पकड़ चुके हैं, और यहाँ से बस इसी हाईवे से सीधा चलना है। नोएडा से निकले थे हम बोटैनिकल के पास से, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आराम से भाई अब 150 किलोमीटर करने के बाद ही कुछ सोचेंगे, उससे पहले कुछ सोचना नहीं है। आराम से तो भाई अभी हो चुके हैं मॉर्निंग, और बस भाई आराम से चलते जा रहे हैं, और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भाई पूरी राइड मैं खींचूँ, ठीक है। एक चैलेंज है कि भाई 260 किलोमीटर या 265 किलोमीटर स्ट्रेट मैं लगाऊं, और आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अभी तो रात ही, तो भाई गड्ढे गुड्ढे भी बहुत आ रहे थे जिस रास्ते में हम आ रहे हैं। मुझे पता था ठंड लगेगी, पर मैंने एक फुल पहन रखा है, और क्योंकि यार बाद में फिर गर्मी होने वाली है ना, तो फिर उसका भी देखना चाहता है, और अपने पास एक ही बैग था, ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, पैनियर वैनियर वगैरह अभी सिस्टम तो है नहीं मेरे पास। अभी मैं अभी किलोमीटर जो रह गए हैं वो 183 किलोमीटर रह गए हैं। पे आ चुके हैं भाई, टी ब्रेक अभी, और मजा आया। बैठो बैठो थोड़ा रेस्ट करो, ठंड लग रही है। तुझे ठंड लग रही थी, ऑर्डर मेरे दो चाय करना। भाई साहब ठंड तो खतरनाक थी भाई। भाई इतने खतरनाक ना भाई, मेन था कि जो रोड है ना वो रोड काफ़ी ख़तरनाक था, और उसमें भाई अभी चलाया है 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर चला लिया, और अभी बस थोड़ा सा और रह गया, 100 किलोमीटर रह गया अभी। तो
जो भाई अभी वहाँ से निकल चुके हैं अपन, बस अभी 100 किलोमीटर रह गए भाई। ठंड तो अभी भी लग रही है, धूप होने के बाद भी जो हवा लग रही है ना भाई, वो बहुत ही ठंडी है, बहुत ही ठंडी है। रह गए हैं 50 किलोमीटर और यहाँ से अपन जा रहे हैं नारायणी माता मंदिर, और वहाँ पे फर्स्ट विजिट करेंगे। वहाँ पे इसलिए पहले जा रहे हैं क्योंकि यार फिर दोपहर हो जाएगी, अगर फोर्ट पहले घूमेंगे तो फिर वहाँ पे वो मंदिर का ये होता है दोपहर में फाटक को बंद कर देते हैं, तो वो ना हो, हम आराम से विज़िट कर लें कि वो मंदिर कैसे बना, कौन थी वो, ये सब आपको पता चलेगा वहाँ जाने पे। तो पहले वहाँ पे चलते हैं और फिर वहीं पे मैं शो करूँगा कि भाई ये मंदिर के राज क्या है और वो मंदिर वहाँ पे क्यों है। थोड़ा ऐसा सिंपल रोड, ऐसे सिंगल रोड बड़ा, कम से कम ये 50 किलोमीटर है, आगे लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे कम से कम ऐसे 32 किलोमीटर चलने हैं, इस पर सेम पैच है 32 किलोमीटर का, ऐसी जंगलों के बीच में पूरा कुछ ही दिख रहा है, यहाँ पे सारी हरियाली हरियाली, जंगल ही जंगल है। तो ये भी भाई जिगजैग रोड है यहाँ पे पहाड़ों की तरह, आई थिंक हिल पे जाएंगे अपन, पता नहीं अब कहाँ जा रहे हैं, पर ये जिगजैग रोड है जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना पहाड़ों पर। भाई ये पैच है, ये उत्तराखंड ही है भाई। ज़िगज़ैग रोड चल रहे, नहीं मैं भी रह लूँगा, कोई नहीं बाकी चला दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊँचाइयों पे जाते हुए भाई पहाड़ में चढ़ रहे हैं, राजस्थान में पहाड़ में चढ़ रहे हैं, याद होती है भाई, खतरनाक ही व्यू हो रहा है। फोटो लेगा क्या, रुक जाएगी तो फोटो लेते हैं। हाँ वहां से यूं आ रहे हैं जिगजैग करते हुए, अबे खतरनाक ही चढ़ाई है भाई, ये तो उत्तराखंड में भी नहीं थी ऐसी। उत्तराखंड बिल्कुल सीधा रोड बना दिया ऊपर की ओर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चला रहा हूँ भाई मैं, देख नीचे खाई है। ओ भाई लेकिन यहाँ पे बस यही है कि भाई बबूल के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी बस पहुंच रहे हैं, फिर अभी क्या ही बोले भाई, खतरनाक ही, एक हमने हिल क्रॉस कर दिया, बिल्कुल उत्तराखंड वाली फीलिंग आ गई यहाँ पे भाई। ऊंट दिखे हुए, बच्चे भी हैं। तो भाई फाइनली 1 किलोमीटर आ चुके हैं और हम व्यू दिखाए तो भाई काफी सही व्यू है, नारायणी माता मंदिर भाई पहुंच चुके हैं अपन। यहां से भानगढ़ फोर्ट 11 किलोमीटर दूर है भाई, ये गेट से एंटर करें हैं। वादियों में आगे भाई, दोनों तरफ बबूल के पेड़ भाई, सीधा रोड जा रहा है, पहाड़ है सामने भाई, खतरनाक ही व्यू चल रहा है भाई, खतरनाक ही व्यू चल रहा है। 45 किलोमीटर से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ आ रहे हैं भाई, नहीं छोटे, अरे छोटे अभी बहुत जीना है तुम्हें। भाई ये देखो भाई, ये लोकल बंदों को ही पता है ना इसके बारे में, हाँ। तो बोला ये थी लेडीज का है, इधर जेंट्स का है, देख वहाँ पे जेंट्स है। पानी ठंडा था लेकिन अच्छा था। तो भाई सीन ये है कि अभी प्रसाद ले लिया,
और अनीस ने नहा भी लिया है। और भाई साहब कैसा लग रहा है? भाई बस अभी मंदिर है सामने और यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट साइड में नहाने होना रखा है। यार वैसे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको फिर। यहाँ पे जो ये लकड़ियाँ पड़ी हैं यही है वो जो पेड़ था। तो इसमें जो मंदिर है जिसमें विजिट किया हमने, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वहां पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हम क्यों विजिट करने गए। तो ये जो जो सैन्य समाज है उसका ये एकमात्र मंदिर है और यहाँ पे तीर्थ यात्री जो सैन्य समाज के होते हैं, तीर्थ यात्री वसंत के मौसम में काफ़ी इकट्ठा होते हैं। और 1983 से पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता था जो कि उसके बाद बंद कर दिया गया जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी है उनके द्वारा। वो कुछ रीज़न हुआ करते थे, जो नारायणी माता थी ये जो भगवान शिव हैं उनकी पहली पत्नी सती के रूप में मानी जाती थी। ये इनकी स्टोरी ये है, ये मंदिर यहाँ पे कैसे स्थापित हुआ कि जो नारायणी माता थी वो अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल की ओर जा रही थी और वहाँ पे क्या हुआ कि इनको यहाँ पे जो मैं पेड़ शो किया था मैंने, इनके पति को सांप ने काट दिया था। तो सांप के काटने से इनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मानती थी भगवान शिव को और अपने पति को भी। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव से बोला कि अगर मेरे पति को आप जीवित नहीं कर सकते तो मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। तो जो सती प्रथा थी वैसा ही उसमें इसमें है कि वो सती हो जाऊंगी। तो उस कारण बस भगवान शिव ने उसके बाद एक शॉर्ट में बताऊं तो भगवान शिव ने अपने जो पवित्र अग्नि को भेजा और ये सती हो गई उसमें। उसके साथ लोकल में एक और स्टोरी जुड़ती है, उसमें है क्या कि वहाँ पे जो चिता में चिता जो इकट्ठा करने में जो हेल्प किया गया वो ग्वालों ने किया था। तो जब वो चिता जल रही थी, जब वो सती हो रही थी, तो उसमें एक मतलब कि ग्वालों से बोला कोई भी वरदान मांगने, तो उसमें ग्वालों ने बोला कि हमें यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, आप हमारे इस दुख को या पानी को दूर कर सके तो बहुत सही होगा हमारे लिए। तो उस समय उसमें से जो अग्नि में से जो आवाज़ आई थी उसमें बोला कि आप इस चिता में से आग को लेके जितनी दूर तक आप जा सकोगे, भाग सकोगे, उतनी दूर तक पानी बहता रहेगा। तो उन्होंने उसमें से उठाया और भागे। तो ऐसा बोलते हैं वहाँ के लोकल कि वो 3 किलोमीटर तक गए और कुछ कोस में था पर 3 किलोमीटर तक गए। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने उनको शक हुआ कि क्या पता पानी पीछे आ रहा है नहीं आ रहा और पानी बह रहा है नहीं बह रहा। वहीं से उन्होंने वापस पीछे मुड़ गए, पीछे देखने लग गए वहीं तक। तो वही बोलते हैं कि वो 3 किलोमीटर तक पानी वहाँ पे आता है। तो जो यहाँ पे अभी वो नहा रहा था अनीस वो वही पानी था, उसका लेवल उतना हाई नहीं है पर वो पानी कभी सूखता नहीं है। हमने वहाँ पर 50 किलोमीटर राइड किया और 50 किलोमीटर राइड करने पर हमें कहीं भी कोई भी नदी या कुछ भी नहीं दिखा, पर यहाँ पे पानी इतना चिल्ड पानी, इतने रेगिस्तान जैसे एरिया में इतनी गर्मी है वहाँ पे एकदम चिल्ड पानी आपको, और वो पानी का फ्लो भी उतना ज़्यादा नहीं है पर वो कंटिन्यूस बना रहता है। तो ये वहाँ पे मंदिर है और वहाँ पे जो पेड़ था वो अभी सूख चुका है, वहाँ पे कोई और पेड़ उगने लग गया है तो वो अभी वहीं पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं उसकी। बाकी ये जो नारायणी माता मंदिर है ये सैन्य समाज का एकमात्र मंदिर माना जाता है। दर्शन कर लिए भाई, अरे इसने नहा भी लिया। अपन जा रहे हैं अभी यहाँ से, यहाँ पे आपको बाइक वाइक फ्री पार्किंग है और फ्री पार्किंग के बाद आपको बस वहाँ से आपको प्रसाद लेना है जहाँ पे आप पार्क कर रहे हो, या फिर आप पहले जाके वहाँ पे आप नहा सकते हो और नहाने के बाद आके आप जब पूरे फ्रेश हो गए नहाने के बाद आके आप प्रसाद लो और फिर विजिट करो मंदिर में। अब यहाँ से अपन निकले भानगढ़ फोर्ट। वैसे इसी का आके थोड़ी स्टोरी पता चलती है तो काफ़ी सही लगता है। अनीस तो काफ़ी देर ये नहाया तथा ये भूल ही गया कि हमें आगे भी कहीं जाना है। 11 किलोमीटर है फोर्ट, तो वहाँ पे चलते हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि भानगढ़ फोर्ट भी काफ़ी बड़ा है।
तो उसको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो इस फिर वापस भी जाएंगे दिल्ली, तो इसको दो पार्ट में रखते हैं पूरे सीरीज़ को। तो अपन चलते हैं अब।